हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिलहाल इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सड़कों में हूँ और यार आप देख सकते हैं सामने हो क्या रहा है। इतना ट्रैफिक, लोग परेशान हो रहे हैं लिटरली, क्योंकि यार डीजल की शॉर्टेज हो चुकी है। लाइक आपको पता ही है, मोदी की सरकार ने वो कर दिया है, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानून जारी किया, उसके खिलाफ हड़ताल चल रही है। और ये देखिए पेट्रोल का टैंकर, और ये प्यासे लोग, यहाँ पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, लोग जाए कहाँ। ये देखिए बुरा हाल है, पूरी वीडियो देखिए आप। ये देखिए सीज बंद कर दिया इन्होंने पेट्रोल पंप, ट्रक वालों ने एकदम हड़ताल कर दी है। यार है ही नहीं पेट्रोल, क्या ही करे बंदा, खाली हो चुके हैं पंप, पूरे के पूरे पंप खाली हो चुके हैं। ये देखिए, और यहाँ भीड़ में जनता एकदम परेशान है, घंटों से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, घंटों से देख सकते हैं, सारे वेट कर रहे हैं कब ये होए। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यार, कितनी देर से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये लंबी लाइन है दूर तक, कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, ऐसे पर लोगों को परेशान करके कुछ नहीं मिलना। कितनी देर से लगे हो आप लाइन में, अभी आए हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये। देखिए यार कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है, लोग घंटों से गाड़ियों में बैठे हुए हैं इस वक्त। ये देखिए है ही नहीं पेट्रोल, खाली हो गई है गाड़ियाँ लोगों की। सही में यार, सच्ची में चंडीगढ़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस है डीजल को लेके। ये देखिए दूर दूर तक यार लाइन ही लाइन है, लोगों के पास है ही नहीं। ये देखिए कितनी लंबी ज़्यादा लाइन है यार, क्या होगा चंडीगढ़ का, फ्यूल है ही नहीं बिल्कुल भी किसी के पास, सारे वेट कर रहे हैं कब इनको पेट्रोल मिले। ये देखिए सबकी गाड़ियाँ ऐसे डेड हो चुकी हैं, सारे ऐसे रोड पे हैं। ये देखिए इतनी लंबी लाइन दिखाऊंगा यार, सारे परेशान हैं, गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के बंद करके बैठ चुके हैं, चंडीगढ़ का वो हो चुका है बुरा हाल, देख सकते हैं। और ये टू व्हीलर साले कितने ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, सही में यार ये सही में हैक्टिक सिचुएशन है। ऐसे यार रूल्स ही क्यों करते हो जो कि लोगों को परेशान करे, देख सकते हैं कितनी लंबी ज़्यादा लाइन है यार, सच्ची बाय गॉड इट्स इनसेन। ये देखिए यार लोग कितने ज़्यादा परेशान है इधर इस वक्त, लाइक बहुत ज़्यादा हैक्टिक है यहाँ के लिए। ये देखिए सही में लोग गाड़ियाँ बंद करके बैठे हैं कि पेट्रोल मिल जाए, पर इनकी मनमानी ख़त्म ही नहीं हो रही। ये सारा सेक्टर के अंदर उस वक्त में चंडीगढ़ के कितने ज़्यादा क्राइसिस हैं, सच्ची यार बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है दिल से यार। रूल्स वापस ले लेना चाहिए इनको, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता। ये देखिए टैंकर लगा हुआ है और ये कुछ नहीं कर पा रहे, लाइक फुल वो है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग एकदम ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं कब उनको उनकी बारी आए। और ये थार वाले भैया, ये देखिए फुल ऑफ रोडिंग, ये देखिए डिवाइडर पे चढ़ा दी, सही है बोला क्राइसिस है। देखिए बाइकर्स इतनी ज़्यादा ठंड में वेट कर रहे हैं कब उनकी बारी आए, पर ऐसा यार सच्ची किसी भी गाड़ी को अलाउड नहीं करे। और ये पेट्रोल पंप एकदम सूखा पड़ा है और वहाँ टैंकर में रिफिल हो रहा है पेट्रोल फटाफट, क्योंकि क्राइसिस इतने ज़्यादा है इस वक्त, सच्ची ट्रैफिक का बुरा हाल हो चुका है। और ये एक और गाड़ी आ रही है, ये देखिए यार ऐसे डिवाइडर पे नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, यू नो इट्स नॉट सेफ। ये देखिए डिवाइडर भी चढ़ा दी उन्होंने गाड़ी, ये देखिए HP वाले भाई हैं हमारे, ये देखिए अब लोग क्या ही करें, डिवाइडर पे गाड़ियाँ चढ़नी शुरू हो गई है और ये पेट्रोल निकलता हुआ। ये देखिए सच्ची यार बहुत ज़्यादा दिल से ना मुझे बुरा लग रहा है इन सब के लिए जो ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है इधर लिटरली। आम जनता है वो फुटपाथ पर गाड़ियाँ चला चला के वो कर रही हैं,
लाइक आप देख ही सकते हैं फुटपाथ पे ये गाड़ी चल रही है, जो कि एकदम गलत है। मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, पर हाँ यार मजबूरी है, इनको भी अब करना पड़ेगा। ये देखिए जनता परेशान हो रही है, जिसको जाना था वो तो कर ही रहा है। चलो अब गाड़ियाँ ऊपर से निकलनी शुरू हो गई हैं सारी जो बाकी थी, जिसको फ्यूल चाहिए उनको फ्यूल ही नहीं मिल रहा, क्या करेगी तुम जनता। सच यार हैक्टिक है। बाइक वालों को मैं हैट ऑफ करता हूँ जो कि इतनी ठंड में खड़े हैं फ्यूल लेने के लिए, और ये यार रोंग नहीं चलानी चाहिए इनको, फिर ये रोंग चला ही रहे हैं। अब क्या करें क्या बताएं क्या होगा इनका। ये देखिए यार ये भाई ने भी ऊपर रोंग चढ़ा दी। हाँ चलो वेट करते हैं कब तक ये खुलेगा पेट्रोल, अभी किसी को मिल नहीं रहा। बहुत बड़ी दुविधा है यहाँ के लिए यार। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इतनी ठंडे में मैं भी मेहनत करके वीडियो सुना रहा हूँ आप लोगों के लिए। लोग गाड़ियों में अब बैठ के सो चुके हैं लिटरली। ये देखिए गाड़ियाँ सारी बंद पड़ी हैं, सारी फ्यूल ही नहीं है। लोगों ने इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ ले रखी हैं, उनको तेल ना मिले तो यार क्या करे। गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, ये थोड़ी ना यार। ये देखिए सारे अब हैवी ड्राइवर बन रहे हैं एक से एक, फ्यूल ही नहीं है सिटी के अंदर, पूरी ट्राई सिटी सूख चुकी है। कितना लंबा जाम है, ये देखिए गाड़ियां यहां से चलानी शुरू हो गई हैं। काश लोगों के साथ ऐसा ना हो। नहीं नहीं यहाँ लोगों को यार पूरा इंतजार है कि कितनी देर में ये खुलेगा, बट क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखिए लेडीज भी परेशान है कितनी ठंड में, तो कम से कम लेडीज को तो वो करना चाहिए इनको। बट चलो आई होप जल्दी ये सब वो हो जाए क्लियर, लोगों को और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। फुल यार वो है परेशानी वाला माहौल, दूर तक लाइन है जहाँ तक, ये देखिए दूर तक लाइन है, दूर दूर तक जहाँ भी मैं देख रहा हूँ वहाँ तक दूर दूर तक लाइन ही लाइन है। सच्ची क्राइसिस, ये देखिए सच्ची लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। चलो यार आप अपने कमेंट में ना व्यूज़ भी बताना कि ये सब आपके व्यूज़ में क्या है। मैं यार आपके कमेंट पढ़ के भी बहुत ज़्यादा ओपिनियन मिलता है, देखो कमेंट करोगे एक दूसरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक तरह से ना ओपिनियन होता है। ये देखिए अब तक स्टिल यार ये कर नहीं रहे, खोला ही इन्होंने। आता है अब इतनी देर से आप खड़े हो ठंड में और ये लोग समझ ही नहीं रहे। लेडीज को भी दिक्कत है, इतनी ठंड में लेडीज भी परेशान हो रही है इधर। अब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर इससे जो पीछे वाला पेट्रोल पंप था शायद उधर वो दे रहे हैं। अच्छा गाड़ी आई है पेट्रोल, गाड़ी लगी हुई है तभी नहीं इन्होंने खोला अब तक। अच्छा दे नहीं रहे इन लोग, स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा दे नहीं रहे, ऐसे पब्लिक को हरास करना भी ठीक नहीं है ना। भैया थोड़ा सा हाथ लगा दोगे तो? एक सेकंड। अगर आप देख सकते हैं मैंने भैया से जैसे इंटरव्यू लिया सर से कि यार वो पिछले पेट्रोल पंप पे भी घूम आए, हर कोई ये कह रहा आगे जाओ पर पेट्रोल एक्चुअली किसी को मिल ही नहीं रहा। और यार टैंकर ये देखिए यहाँ डीजल और पेट्रोल आ रहा है पर लोगों को नहीं दिया जा रहा, तो यार ऐसे जनता को परेशान करके क्या ही मिलेगा लोगों को। वही तो पूरी इस वक्त तो बुरा माहौल है। अब देखते हैं ये खोल देंगे या नहीं, मुझे तो नहीं लगता यहाँ मिलेगा क्योंकि बहुत टाइम से लोग खड़े हैं किसी को मिल ही नहीं रहा, क्या ही करेगी जनता, एकदम लोग परेशान है सच्ची लिटरली। ये देखिए माहौल, यहाँ लोगों को होप नहीं मिल रही, आते लोग तो वो यार जा ही रहे हैं, पर अब देखते हैं यार अब लोग जो रास्ते के बीच में फंस गया वो कहाँ जाएगा, आप इसका जवाब दो। अब जो रास्ते के बीच गाड़ियाँ फंस रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, उसके लिए आम जनता क्यों हरास होए। सच्ची यार मोदी गवर्नमेंट मैं क्या ही बोलूँ, आपको खुद समझदार हो। ओपिनियन यार मैं अपने ऐसे पब्लिकली देना नहीं चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। लोग देखिए परेशान हो रहे हैं,
घंटों घंटों लाइन में लगे हुए थे, अब डिवाइडर क्रॉस करके गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। पर यार सच्ची दर्दनाक सीन है, क्राइसिस इसको कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम। देखो दूर दूर तक लंबा जाम है, लोग सच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये देखिए अब जो फंस चुका है वो कहाँ जाए, किसी को मिल ही नहीं रहा फ्यूल। ये देखिए गाड़ियाँ ऐसी की ऐसी खड़ी हैं सारी, कोई भी हिल नहीं रही। लोग तो अब जो लाइन में लगे थे इतनी देर से, यू टर्न मार के जा रहे हैं वापस, क्योंकि किसी को कोई होप ही नहीं मिल रही, ना किसी को पेट्रोल मिल रहा ना डीजल मिल रहा। सच्ची मेरा मकसद था यार आपको वो करना, अवेयर करना, लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की कि एक्चुअल में है क्या। टीवी पे आपको थोड़ा वो फेक या वो दिखाया जाएगा, मैं तो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करके आपको वो दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। ये सब आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा हाल है, कंडीशन सही में वर्स्ट बनती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, पर एक भी गाड़ी अब तक अंदर नहीं गई पेट्रोल के लिए। सच्ची बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, किसी को मिल ही नहीं रहा। ये देखिए क्या ही होगा, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा कि लोग पेट्रोल डीजल के लिए तरसेंगे सड़कों पे ऐसे ठंड में। इस वक्त टेम्परेचर 8 डिग्री हो रहा है और लोग सच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। टैंकर फुल स्पीड से वो है, देख सकते हैं लोडिंग हो रही है, पर किसी को अंदर नहीं जाए मेरे तक तो। आई होप यार आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आगे भी पार्ट्स डालूंगा इसके कि कल को क्या होएगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा आपको कि क्या रियलिटी है, क्या हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। आपको एक 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 डिटेल मैं अपने व्लॉग थ्रू दूंगा कि ये कैसे हरासमेंट हो रही है। पेट्रोल आ रहा है पर कोई दे नहीं रहा, ये दिन आ गया आज। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।